नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों नई जॉब की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। ये रिक्रूटमेंट दोस्तों आ रही है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, फुली ऑन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है ये रिक्रूटमेंट रहने वाली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये जो है वो आता है। पोस्ट का नाम है ऑफिस अटेंडेंट। ऑनलाइन मोड से आवेदन करना है। 25 दिसंबर से आवेदन शुरू है, चलेंगे 12 जनवरी 2020 तक। इसी के बारे में दोस्तों बात करेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली जॉब अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि 25 दिसंबर से आवेदन शुरू है, 12 जनवरी तक चलेंगे। आपका एग्जाम जो है वो फेब्रवरी 2020 में जो है होने वाला है। कब होगा वो एग्जैक्ट जो है वो आपकी जो लेटर होगी उस पर ही जो है वो पता चलेगा। बात करें दोस्तों वैकेंसीज की तो 70+ जो है वो वैकेंसीज हैं। हर एक स्टेट के लिए 3, 4, 5, 10 वैकेंसीज जो हैं वो रखी गई हैं। आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं और अपनी स्टेट के लिए आवेदन कीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोस्तों उन्होंने साफ लिखा है कि 10th पास ही आवेदन कर सकते हैं। 12th करी हुई है, 10th का सर्टिफिकेट दिखा के आप जो है आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ 10th ही ज़रूरी है। किसी भी तरह के क्वालिफिकेशन सॉरी माफ़ कीजिएगा क्वालिफाई मार्क्स का जो है वो क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन रीड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें दोस्तों एज की तो 18 से लेकर 30 साल की एज आपकी होनी चाहिए 1/12/2019 तक। अगर आपको जो है एज रिलैक्सेशन चाहिए तो एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगी जैसा कि पहले मिलती आई है। वैसे 30 साल जो है मैक्सिमम एज लिमिट है। बात करें एग्जाम की तो 2 एग्जाम होंगे। पहला जो है वो आपका होगा प्राइमरी एग्जाम, उसके बाद जो है वो मेन एग्जाम लिया जाएगा। रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। बाकी दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ नोटिफिकेशन रीड जरूर जो है वो करिएगा। बात करें सैलरी की तो 24,000 साथ में जो है वो अलाउंस जो है वो डाले जाएंगे, तो अच्छी खासी इसमें आपको सैलरी भी जो है वो मिल जाएगी। एक तरह की परमानेंट जॉब जो है रहने वाली है। अप्लाई करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें 50 रुपये की एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है अगर आप SC ST PWD और एक्स सर्विस मैन है। और अगर आप आते हैं अनरिजर्व से OBC से तो आपको जो है वो 400 रुपये की फीस और 50 रुपये जो है वो एक तरह के इंटरनेट चार्जेस और 450 रुपये की फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे क्लिक करिए। वैसे जो है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है वो नोटिफिकेशन में बताया भी गया है। तो अगर दोस्तों आपने 10th करी हुई है, आप कम पढ़े लिखे हैं और बैंकिंग सेक्टर में जो है वो जाना चाहते हैं तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अच्छी जॉब है, अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।